प्रधानमंत्री ने कहा गांव में बढ़ाए डोर टू डोर टेस्टिंग। उच्च स्तरीय बैठक में की कोरोना संक्रमण और टीकाकरण की समीक्षा। प्रदेश में 31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन। ऑड इवन फॉर्मूले के तहत खोली जा सकेंगी दुकानें। कोरबा जिले में भी आरटीपीसीआर टेस्ट। स्वास्थ्य मंत्री ने दी वायरोलॉजी लैब की सौगात। और भिलाई इस्पात संयंत्र का ऑक्सीजन। कोरोना मरीजों के लिए बनी संजीवनी। छत्तीसगढ़ समेत 7 राज्यों में की जा रही सप्लाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं सरोज गुप्ता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए शनिवार को एक उच्च स्तरीय बैठक ली। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि हाई पॉजिटिविटी रेट वाले इलाकों में टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जाए। उन्होंने गांवों में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए कहा कि सभी गांवों में डोर टू डोर टेस्टिंग और सर्विलांस की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कोरोना संक्रमण के हालातों के साथ ही वैक्सीनेशन और टेस्टिंग के संबंध में जानकारी ली। मीटिंग के दौरान बताया गया कि मार्च के शुरुआती हफ्ते में करीब 50 लाख टेस्ट किए जा रहे थे, जिसे अप्रैल में बढ़ाकर हर हफ्ते 1.3 करोड़ टेस्ट कर दिए गए हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने ग्रामीण इलाकों में ऑक्सीजन की सप्लाई व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों को वेंटिलेटर और अन्य उपकरणों को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के साथ विभिन्न मंत्रालय के अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हुए। उन्होंने बैठक में अधिकारियों से राज्य और जिला स्तर की स्थिति, टेस्टिंग की संख्या, ऑक्सीजन की उपलब्धता, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे और टीकाकरण की पूरी जानकारी ली। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने अप्रैल महीने से शुरू हुआ लॉकडाउन अब रायपुर जिले में 31 मई तक जारी रहेगा। इससे पहले सभी जिलों में 17 मई तक लॉकडाउन घोषित किया गया था, लेकिन कुछ जिलों में संक्रमण की दर कम नहीं होने के कारण इसे 31 तारीख तक के लिए बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश में जिला कलेक्टर को लॉकडाउन लगाने तथा दी जाने वाली रियायतों के संबंध में गाइडलाइन जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। नए आदेश के तहत पहले से चल रही रियायतों के अलावा दैनिक जरूरतों की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन ये सभी दुकानें ऑड इवन फॉर्मूले पर खोली जा सकेंगी, यानी पहले दिन 1, 3, 5, 7 और 9 नंबर की तो दूसरे दिन 2, 4, 6, 8, 10 नंबर की दुकानें खुलेंगी। अनाज की थोक दुकानों को शाम 5 बजे तक कारोबार की अनुमति होगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि ई कॉमर्स से जुड़ी सेवाओं को छूट प्रदान की गई है, जबकि रविवार को पहले की तरह ही पूर्ण लॉकडाउन जारी रहेगा। इस दिन केवल अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स, राशन दुकानें, फल सब्जियों व दूध की होम डिलीवरी तथा पालतू पशुओं की भोजन सामग्री की दुकानें खुली रहेंगी, जबकि मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, सुपरमार्केट, शराब दुकानें, सिनेमा हॉल, कोचिंग क्लासेस, होटल और रेस्टोरेंट तथा सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर पूर्व की तरह प्रतिबंध जारी रहेगा। रायपुर के अलावा जिन जिलों में लॉकडाउन बढ़ाया गया है उनमें जशपुर में 23 मई, बिलासपुर में 24 मई, बलौदाबाजार में 24 मई, सरगुजा में 31 मई और जांजगीर चांपा में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 9 लाख के करीब पहुंच गई है। संक्रमण की दर का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सिर्फ 9 दिनों में ही 1 लाख से ज्यादा मरीज बढ़े हैं, जबकि पिछले एक माह का आंकड़ा देखें तो मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई है। रायपुर जिले में सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 1,15,000 तक पहुंच गई है। संक्रमण की बढ़ती संख्या के बीच राज्य सरकार लगातार
टेस्टिंग, ट्रेसिंग, टीकाकरण और उपचार से मरीजों की संख्या कम करने में लगी हुई है। राज्य सरकार के मुताबिक हर रोज प्रति 10 लाख आबादी में 2,197 टेस्ट किए जा रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर अब इसका औसत 1,245 है। प्रदेश में वर्तमान में 39 लैबों में ट्रूनॉट टेस्ट और 15 लैबों में आरटीपीसीआर टेस्ट किए जा रहे हैं, जबकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर एंटीजन टेस्ट की सुविधा ली जा रही है। प्रदेश में वर्तमान में 1,063 कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किए गए हैं, जहां घर घर जाकर टेस्टिंग की जा रही है। राज्य में 6 मेडिकल कॉलेज और एम्स रायपुर सहित 37 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल तथा 154 कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए जागरूकता के साथ कार्रवाई भी की जा रही है। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने वालों से 3,44,00,000 रुपए की वसूली भी की गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक प्रदेश में संक्रमण दर में तेजी से गिरावट हो रही है। प्रदेश में संक्रमण की दर 30% से कम होकर 12% तक पहुंच गई है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। अब जब अनलॉक 5 के तहत लगभग सारा देश खुल गया है, तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें। ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। अब बढ़ते हैं कुछ अन्य खबरों की ओर। जिला विधि सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव द्वारा न्यायालय परिसर में कोरोना टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सत्र न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीशों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी, कर्मचारियों तथा अधिवक्ताओं और उनके परिजनों ने कोरोना टीका लगवाया। इस अवसर पर जिला सत्र न्यायाधीश विनय कुमार कश्यप ने कोरोना से बचाव के लिए सबसे सुरक्षित उपाय कोरोना टीकाकरण को बताया और लोगों से कोरोना टीका लगाने की अपील की। कोरोना के इस गंभीर संक्रमण को रोकने के लिए वैक्सीनेशन निहायत ही जरूरी है और इसके लिए हम सबको कमर कस के तैयार होना पड़ेगा और इसमें जोर शोर से भाग लेना पड़ेगा ताकि हमारा ये भारत देश इस संक्रमण से मुक्त हो सके। जिला कलेक्टर टीके वर्मा ने बताया कि राज्य शासन के निर्देश पर वकीलों को फ्रंटलाइन वर्कर्स मानते हुए विशेष टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। कर्मचारी हैं, जजेस हैं और अधिवक्तागण हैं, वो और उनके फैमिली मेंबर जो 18 ईयर से ऊपर के हैं, सभी के लिए आज यहाँ पर न्यायालय की ओर से आग्रह आने पर विशेष कैंप आयोजन किया गया है। निश्चित ही न्यायालयीन कर्मचारी और अधिवक्ता है और उनके परिवार को इससे लाभ मिलेगा, क्योंकि ये भी हमेशा पब्लिक के बीच में रहते हैं। इससे कोरोना का जो संक्रमण है उसको भी रोकने में सहायता। उल्लेखनीय है कि न्यायालय परिसर में आयोजित कोरोना टीकाकरण शिविर से न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं सहित उनके परिवार के लोगों को कोरोना संक्रमण से निपटने में सहायता मिलेगी। कोरबा जिले में आरटीपीसीआर जांच की रिपोर्ट के लिए अब मरीजों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कोरबा जिले को वायरोलॉजी लैब की सौगात दी है। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से इस लैब का उद्घाटन किया। कोरबा कलेक्टर किरण कौशल ने बताया कि वायरोलॉजी लैब के शुरू होने से मरीजों को अब उसी दिन 7 से 8 घंटे के भीतर रिपोर्ट मिल जाएगी, जिससे संक्रमित मरीजों का इलाज जल्दी शुरू किया जा सकेगा। तो रिपोर्ट आने में बहुत डिले हो जाता था, 2 से 3 दिन भी कई बार लग जाते थे, तो उससे जो क्रिटिकल मरीज है उनको हमको एंटीजन टेस्ट के बेसिस पर ही हम लोग को उनको ट्रीट करना पड़ता था। अभी जो है आरटीपीसीआर लैब शुरू होने से एक तो हम लोगों को यहाँ से रायगढ़ तक भेजना और वो सब हमारे लॉजिस्टिक्स का
8 घंटे के अंदर हमको जो है सेम डे पे रिपोर्टिंग मिल जाएगी, आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट। और लगभग 400 से 500 सैंपल हम लोग अभी पर डे स्टार्ट करेंगे और शीघ्र ही इसकी कैपेसिटी को डबल कर लेंगे। मेडिकल कॉलेज के डीन वाईडी बड़गैया ने बताया कि कोरोना संक्रमण से 5 से 9 दिन के भीतर मरीजों की तबियत ज्यादा खराब हो जाती थी, लेकिन आरटीपीसीआर रिपोर्ट जल्दी मिलने से बेहतर इलाज किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आने वाले 1 सप्ताह के भीतर रोजाना 1000 सैंपलों की जांच कर रिपोर्ट देने की सुविधा बढ़ा दी जाएगी। ये बहुत बड़ी सुविधा है। एक्चुअली कोरोना में जो जितना डिले होता है ट्रीटमेंट, लाइफ उतना खतरे में जाता है। इससे मैटर अब 5वें दिन से लेकर के 9वें दिन के बीच में इतने कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं कि फिर उनके बचाना के बार जीवन खतरे में पड़ जाता है। तो जितनी जल्दी टेस्ट रिजल्ट है उतना अच्छा है। उल्लेखनीय है कि कोरबा का ये वायरोलॉजी लैब प्रदेश का 10वां लैब है। इस लैब का संचालन कोरबा मेडिकल कॉलेज के अधीन किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण काल में भिलाई इस्पात संयंत्र में बनने वाले ऑक्सीजन ने देश भर में प्राणवायु का काम किया है। भिलाई इस्पात संयंत्र का ऑक्सीजन कई राज्यों के कोरोना मरीजों के लिए संजीवनी साबित हो रही है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की किल्लत नहीं है। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने बताया कि भिलाई इस्पात संयंत्र ने राज्यों की जरूरतों को देखते हुए ऑक्सीजन उत्पादन के साथ ही अन्य सुविधाएं बढ़ाई हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 55,000 से ज्यादा एलएमओ ऑक्सीजन की सप्लाई की जा चुकी है। भिलाई स्टील प्लांट में पहले 840 बेड की क्षमता थी, जिसमें 594 ऑक्सीजन बेड और 42 वेंटिलेटर बढ़ाए गए हैं। स्पेशल ड्राइव्स चला करके 100 से अधिक नर्सिंग स्टाफ को भी अभी हायर किया गया है। भिलाई स्टील प्लांट से में अब तक 24,000 टन से ज्यादा का लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन अलग अलग राज्यों को प्रदान किया गया है। सेल के सभी प्लांट मिलाकर के लगभग 55,000 टन से ज्यादा एलएमओ की सप्लाई कर चुके हैं। बताया गया है कि भिलाई इस्पात संयंत्र में संचालित ऑक्सीजन प्लांट 2 तथा बीओओ आधारित प्रॉक्स एयर से प्रतिदिन मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा रहा है। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली, तेलंगाना, गुजरात और आंध्र प्रदेश में ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति कर रहा है। बिलासपुर शहर के इंजीनियर साकेत तिवारी ने ऑक्सीजन मशीन में उपयोग होने वाली फ्लो मीटर का निर्माण किया है। बाजार में हो रही फ्लो मीटर की किल्लत और महंगे दाम को देखते हुए उन्होंने जुगाड़ तकनीक से फ्लो मीटर बनाया है। उन्होंने बच्चों की फीडर बॉटल का इस्तेमाल कर यह मशीन बनाई है। साकेत तिवारी ने बताया कि वे अपनी टीम के साथ 10 अप्रैल से जरूरतमंद लोगों तक लगातार ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं। इस दौरान ऑक्सीजन फ्लोमीटर की समस्या सामने आई, जिसके बाद उन्होंने इसका समाधान करते हुए ऑक्सीजन रेगुलेटर बनाने की तैयारी और फीडर बॉटल की मदद से इसे बना दिया। फ्लोमीटर नहीं मिल रहा है, उस समय हम लोगों को एक आइडिया सूझा कि हम ऑक्सीजन सिलेंडर जो है उसमें लगने वाले फ्लोमीटर को बना सकते हैं। उसके लिए हमने ये ऑक्सीजन रेगुलेटर की व्यवस्था की और इसके साथ ही आर्गन फ्लोमीटर जो इंडस्ट्रियल शॉप्स में इजीली अवेलेबल था, इस जो है आर्गन फ्लो मीटर को हमने बच्चों के फीडर बॉटल से कनेक्ट किया और हम इसका उपयोग जो है लोगों की मदद के लिए करने लगे। ये आइडिया सक्सेस होने के बाद हमने ये वीडियो यूट्यूब में भी शेयर किया। यूट्यूब में शेयर करने से ये बहुत जगहों तक पहुंचा और वहां से लोगों के कॉल आने लगे कि ये कैसे बनता है, तो हमने उसकी जानकारी भी लोगों से साझा की और जितने ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक हम पहुंचा सकते थे, हमारे पास जो संसाधन जुटे उससे हमने 100 के लगभग फ्लो मीटर बनाया और आसपास के क्षेत्रों में और हमसे भी जो सिलेंडर लेके जाने वाले लोग हैं उन लोगों तक हमने ये सिलेंडर पहुंचाया। श्री तिवारी ने बताया कि उनका ये आइडिया सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद उनके पास कई लोगों के फोन भी आए। फोन करने वाले लोगों को उन्होंने इसे बनाने की तकनीक भी बताई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा गांव में बढ़ाए डोर टू डोर टेस्टिंग, उच्च स्तरीय बैठक में की कोरोना संक्रमण और टीकाकरण की समीक्षा।
प्रदेश में 31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, ऑड इवन फॉर्मूले के तहत खोली जा सकेंगी दुकानें। कोरबा जिले में भी होगा आरटीपीसीआर टेस्ट, स्वास्थ्य मंत्री ने दी वायरोलॉजी लैब की सौगात। और भिलाई इस्पात संयंत्र का ऑक्सीजन कोरोना मरीजों के लिए बनी संजीवनी, छत्तीसगढ़ समेत 7 राज्यों में की जा रही सप्लाई। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।